गए महीने 30 अप्रैल को एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है सीबीडी पुलिस स्टेशन नवी मुंबई में, जहां पर एमपीएससी के हॉल टिकट्स, एक एग्ज़ाम थी 30 अप्रैल को होने वाली एग्ज़ाम, उसके हॉल टिकट्स एक टेलीग्राम चैनल के ऊपर पाए गए हैं। ऐसा एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। उस ऑफेंस को साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नवी मुंबई ने डिटेक्ट किया है। उसका जो मुख्य सूत्रधार है रोहित कांबळे, 19 इयर्स का है, जो सेकेंड ईयर बीएससी साइबर एंड डिजिटल साइंस पुणे में ये पढ़ता है। इसने इसके पहले एथिकल हैकिंग के भी कोर्सेज कर रखे हैं, पेनेट्रेशन टेस्टिंग के भी कोर्सेज कर रखे हैं, और बाकी डार्क नेट में कई हैकर्स ग्रुप के ये संपर्क में पाया गया है। इन्हीं हैकर्स ग्रुप की तरफ से प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो बता रहा है कि इसमें से एक ग्रुप ने इसको काइंड ऑफ सुपारी दी थी कि ये एमपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स और हॉल टिकट्स को हैक करने की, इन लियू ऑफ 400 US डॉलर्स। तो इसने इसकी जो एक्सटर्नल लिंक थी www.eforms.mpsc.org.in, इसकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग में वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट की, उसको एक्सप्लॉइट किया, ब्रूट फोर्स टेक्निक यूज़ किया, और इसके ज़रिए करीब करीब 94,000 जो हॉल टिकट्स है उसको इलिसिटली डाउनलोड किया था। और ये जो टेलीग्राम चैनल है एमपीएससी 2023A, इस टेलीग्राम चैनल पे इसको पूरा डाल दिया था, और वहाँ पे नीचे में ये भी लिखा था कि इसके पास इसके क्वेश्चन पेपर्स भी हैं, तो उसको कांटेक्ट करें किसी को अगर चाहिए है तो। ये सारा तफ्तीश में अभी तक ऐसे पता चला है कि इट वाज ओनली हॉल टिकट्स एंड नॉट द क्वेश्चन पेपर्स दैट वर लीक्ड। और ये आरोपी पकड़ा है, इसका एक साथीदार भी है, उसको भी पुलिस ढूंढ रही है। बट दिस इज़ हाउ ही कमिटेड द ऑफेंस। और ऐसे बाकी जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, ऐसे लगता है कि ये हैकर्स के ग्रुप में इसका कनेक्शन कुछ लंबे अरसे का है। तो बाकी भी क्राइम्स और इसका तफ्तीश नवी मुंबई पुलिस कर रही। देर आर सर्टन स्ट्रेटजीज जो उसको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और उसमें हमेशा जब क्रिमिनल क्राइम करता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी खामियां रह जाती है जो पुलिस इस्तेमाल करती है और क्रिमिनल तक पहुंचती है। सर, डार्क नेट में जो डीलिंग्स होती है, ये क्रिप्टो में डीलिंग्स होती है, क्रिप्टो करेंसीज में, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज जो हैं, तो इसके पहले भी शायद इसके कुछ क्रिप्टो करेंसीज में व्यवहार हो चुके हैं, ये प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है। बट ये सारा डिटेल इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही पता चल पाएगा। कल इसको पुणे से अरेस्ट किया है और उसको 2 दिन की पीसी मिली। नहीं, ये मेरे ख्याल से इसका फैमिली बैकग्राउंड तो पूरा अभी हमारे लोग फाइंड आउट करेंगे, बट इसका रहन सहन जो है वो थोड़ा सा उसके पास जो गैजेट्स वगैरह मिले हैं उससे लगता है कि इसकी कोई एडिशनल इनकम होनी चाहिए, जो भी ये सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।